वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन आई एम संतोष श्रीवास्तव फॉर सुपर 60 एजुकेशन एंड हियर आर 10 क्वेश्चंस सीरीज नंबर 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन कॉमन एरर्स। और सबसे बड़ी चीज कि इसके पहले जो दो सीरीज दी गई है, अगर आप उसको रेगुलरली सॉल्व करते हैं तो विश्वास करें आप सर्टेनली आप जो सीजीएल या सीएचएसएल के पेपर होने वाले हैं उनमें आपको इसका फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं तीसरी सीरीज कॉमन एरर्स पर। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखें, यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लंच बार। क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताएं कहां पर एरर है। यू कैन ईट सही, एज मच एज यू लाइक सही हो सकता है, एट द न्यूली लंच बार ए में एरर है, बी में एरर है या सी में एरर है या फिर नो एरर है, क्या हो सकता है। आप कोशिश करें देखें, एज मच एज तो सही लग रहा है आपको, एज मच एज जब हम एक अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो फिर ये यूज किया जाता है, तो यहां यू कैन ईट सही है, तो यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक सही है। एट द न्यूली लंच बार, क्या यहां पर कोई एरर है क्या, ध्यान से देखें, एट द न्यूली लंच बार, अगर आप समझ रहे हो लंच बार एक कंपाउंड नाउन है, ओपन कंपाउंडिंग के द्वारा लंच बार बनाया गया, जैसे आप पुलिस स्टेशन बनाते हैं, आप ग्रीन हाउस बनाते हैं, ब्लैक बोर्ड बनाते हैं, व्हाइट बोर्ड बनाते हैं, ऐसे लंच बार है, तो लंच बार एक नाउन हुआ। क्या आपको लगता है कि लंच बार को मॉडिफाई करने के लिए आप न्यूली का प्रयोग कर सकते हैं, न्यू प्लस एल वाई, यानी न्यू क्या है एक एडजेक्टिव है और एल वाई क्या है आप एडवर्ब बना रहे हैं, जब आप एक एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ते हैं तो आप एक एडवर्ब बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, और जब आप एक नाउन में एल वाई जोड़ते हैं तो आप एक एडजेक्टिव बनाते हैं। बहुत सारे बच्चों को या कुछ टीचर्स को ऐसा लगता है कि कहीं भी एल वाई है तो वह एक एडवर्ब है, इस गलतफहमी को दूर कर ले। एक्चुअली इफ यू आर एडिंग एल वाई जस्ट एट द एंड ऑफ द नाउन इट मीन्स इट विल टोटली चेंज इनटू एडजेक्टिव, बट इफ यू आर एडिंग एल वाई एट द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव इट विल चेंज इनटू एन एडवर्ब, यानी यदि आप एक नाउन के प्लस एल वाई ले रहे हैं तो वह एडजेक्टिव होगा, वो कभी भी एडवर्ब नहीं होगा, और यदि आप एक एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ रहे हैं तब जाके वो एडवर्ब होगा, तो न्यू एक एडजेक्टिव है, एल वाई आपने जोड़ा एक एडवर्ब होगा। क्या एक कंपाउंड नाउन को एक एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है, नहीं ना, तो यहां क्या होगा न्यू लंच बार होगा, एडजेक्टिव यूज करेंगे न कि आप एडवर्ब यूज करेंगे, यानी हमारा सी पोर्शन में एरर है, ध्यान रखिएगा फिर से मेरी बात, नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव, जैसे आपने फादर में एल वाई जोड़ा फादरली ये एडजेक्टिव है, आपने कावर्ड में एल वाई जोड़ा कावर्डली ये एडजेक्टिव है, आपने स्कॉलर में एल वाई जोड़ा स्कॉलरली ये एडजेक्टिव है, आपने ब्रदर में एल वाई जोड़ा ब्रदरली ये एडजेक्टिव है, लेकिन अगर आपने सैड में एल वाई जोड़ा तो ये एडवर्ब है, आपने बैड में एल वाई जोड़ा यह एक एडवर्ब है, यानी नाउन प्लस एल वाई बराबर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब, तो यहां पे न्यूली नहीं न्यू होगा क्योंकि नाउन के लिए आपको एक एडजेक्टिव की आवश्यकता। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन है, द क्रूयल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स, यानी जो निर्दयी महिला थी वह अपनी जो स्टेप डॉटर थी उसे कराती थी ऑल द हाउस होल्ड को, घर के जितने भी काम होते थे वह अपनी स्टेप डॉटर से कराती थी, वो क्रूयल लेडी, देखे क्या गलत हो सकता है, देख लें, द क्रूयल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स, बोले क्या गलत, अपने ऑप्शंस में ए बी या सी या फिर इसमें कोई एरर नहीं है और नो एरर है, यहां क्या हो सकता है, जल्दी बोले, द क्रूयल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स, क्या गलत लग रहा है आपको, द क्रूयल लेडी मेड सही, द क्रूयल लेडी सही है, मेड हर स्टेप डॉटर टू डू, यानी आपको याद होगा एक पॉजिटिव वर्ब आपको पढ़ाया गया होगा, तो मेड हर स्टेप डॉटर टू डू, क्या आप लग रहा है यहां पे फुल इन्फिनिटिव आप ले सकते हैं, नहीं ना, क्यों, क्योंकि यहां मेड हर स्टेप डॉटर है, कल भी मैंने कहा था
जब भी आप मेक का प्रयोग करें, जब भी सी का प्रयोग करें, जब भी वॉच का प्रयोग करें, जब भी हेयर का प्रयोग करें, जब भी नोटिस का प्रयोग करें, जब भी आप फील का प्रयोग करें और बाकी एक्टिव वॉइस में हो, तो कभी भी फुल इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट के बाद न लें। यहां मेक का प्रयोग है, फिर ऑब्जेक्ट है, हर स्टेप डॉटर, तो फुल इन्फिनिटिव नहीं होगा, बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगी। अगर हम पैसिव वॉइस में होते हैं तब हम फुल इन्फिनिटिव लेते हैं, लेकिन यहां ऐसा है नहीं, एक्टिव वॉइस में है। तो द क्रूयल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर डू हो जाएगा, टू डू नहीं होगा यहां पे, ठीक है, यानी बी ऑप्शन में एरर है आपका। लेट्स ट्राई थर्ड क्वेश्चन। माय सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। फिर से देखें, माय सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। क्या एरर लग रही है आपको, कहां पे एरर है? और बहुत इजी है और बहुत बार आपके एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है। ये अगर आप याद करेंगे तो नरेशन से संबंधित एरर है कहीं आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से संबंधित। फिर से देख लें, माय सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। समझ में आ रहा है कुछ आपको? कोशिश करें, कहां पे गलत हो सकता है, अपनी कोशिश करेंगे तो आपके एग्जाम्स में आपके काम आएगा। जब मैं बताऊंगा तो वो चीज आपके साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। माय सिस्टर आस्क्ड मी, याद है आपको नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब यहां पे है आस्क्ड मी दैट, तो आस्क्ड के साथ आप दैट कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यह तो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो डब्ल्यू एच के साथ आप दैट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंगल क्लॉज है इंटरोगेटिव, यहां पे आगे मैं और भी बेहतर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रखें, ये माय सिस्टर आस्क्ड मी बता रहा है कि हम इंटरोगेटिव में हैं, तो यहां दैट का प्रयोग नहीं हो सकता, यानी बी पोर्शन में एरर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इन इंडिया वर्किंग वुमन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। भारत में जो वर्किंग वुमेन होती हैं, लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन्हें दोहरी जिम्मेदारियों को फेस करना होता है, इफ दे आर मैरिड, यदि वो शादीशुदा हैं, एंड हैव अ फैमिली, और यदि उनके पास परिवार है। क्या गलत है, ध्यान से देखें सेंटेंस को देखें और कोशिश करें कि कहां पे फाइंड आउट किया जा सकता है एरर को। इन इंडिया वर्किंग वुमन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। If they are married and have a family, तो कहीं लग रहा आपको कहीं पे गलत है। If they are married and have a family, यदि यहां दे का प्रयोग किया गया है, आर का प्रयोग किया गया है, एंड हैव अ फैमिली का प्रयोग किया गया है, और यहां पे वर्किंग वुमन लीड का भी प्रयोग किया गया है, यानी हम वर्किंग वुमन की बात नहीं कर रहे, हम भारत में कामगार महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो इन इंडिया वर्किंग वुमन ना होकर के वीमेन हो जाएगा। जब वर्किंग वीमेन प्लूरल हो जाएगा तो लीड भी जस्टिफाइड हो जाएगा, दे भी जस्टिफाइड हो जाएगा, आर और हैव भी जस्टिफाइड हो जाएगा, यानी यहां पर आपको वर्किंग वीमेन यूज करना है प्लूरल में, यानी बी पोर्शन में एरर है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ग्रेटली टू आवर सरप्राइज वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज ले। ध्यान से देखें, greatly to our surprise we find the ring leader was lame, यानी हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब हमने पाया कि जो ring leader था वो लंगड़ा था, lame था। जब हमने पाया, हम पाते हैं होगा क्या यहां पे, we find होगा नहीं ना, तो greatly to our surprise we found होगा न कि find, क्योंकि वैसे भी was lame बता रहा है वो लंगड़ा था, तो we find कैसे होगा, we found हो जाएगा। ओके okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं और कोशिश करें समझ सकते हो आप। दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक। सोचें क्या गलत हो सकता है, जल्दी से देखें कहां पे एरर है आपके लिए। दे हैव प्लेड अ गेम लास्ट वीक कुछ बता रहा है ना, लास्ट वीक एगो का प्रयोग है, बिफोर का प्रयोग है, पास्ट इंडिकेटिंग टाइम है, तो पास्ट इंडिकेटिंग टाइम के साथ आप हैव का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। हर जगह आपने पढ़ा होगा कि कहीं एगो का प्रयोग है या पास्ट इंडिकेटिंग टाइम है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होगा, तो दे हैव नहीं होगा यहां पे, दे हो जाएगा, और यहां ऑलरेडी प्लेड है सेकेंड फॉर्म,
ध्यान रखिएगा दे हैड भी न करेगा, सिंगल क्लास में आपको पास्ट परफेक्ट नहीं यूज करना चाहिए तब तक जब तक कि वहां पे एवर का प्रयोग ना हो या ऑलरेडी का प्रयोग ना हो। अगर एवर या ऑलरेडी जैसे शब्दों का प्रयोग है तो आप पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, यहां ऐसा है नहीं। तो दे हैव हट जाएगा, दे प्लेड अ गेम लास्ट वीक, यानी उन्होंने पिछले सप्ताह एक गेम खेला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। जब ये प्रश्न मैं दे रहा था आपको तो फिर मेरे दिमाग में था कि क्या हमने कुछ सीखा जो हमने सेंटेंसेस पीछे सॉल्व किए हैं। अगर आपने कुछ सीखा तो इस सेंटेंस को फिर से देखें, द टीचर मेड द बॉयज, द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। कहां पे गलत लग रहा है आपको, कोई ऐसा पोर्शन जो आपको लग रहा गलत है? क्या आपने पीछे वाले सेंटेंसेस में कुछ सीखा कि अगर हम मेक का प्रयोग, हियर का प्रयोग, नोटिस का प्रयोग, फील का प्रयोग, सी का प्रयोग, वॉच का प्रयोग करते हैं तो फिर इनके बाद ऑब्जेक्ट जो है उसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी एक्टिव वॉइस में वो फुल इन्फिनेटिव नहीं होगी। ध्यान रखिए, तो जो टू डू है यहां फिर से वो टू डू नहीं होगा, यहां पे डू होगा, बेयर इन्फिनेटिव होगा, यानी बी पोर्शन में एरर है। तो द टीचर मेड द बॉयज डू द सम ऑल ओवर अगेन, यानी अध्यापक ने उन बच्चों से फिर से वो सम कराया पूरा। चलिए आठवां प्रश्न है आपके सामने, देखें, मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। कोशिश करें कहां गलत, मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो विदेश में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं अटेंड कॉलेजेस, कॉलेजेस को अटेंड करते हैं इन द ग्रेट ब्रिटेन, इन द ग्रेट ब्रिटेन। सोचें क्या गलत है यहां पे, कुछ समझ में आ रहा है? ये आर्टिकल की एरर है आपकी, आर्टिकल की, मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स राइट, अटेंड कॉलेजेस राइट, इन द ग्रेट ब्रिटेन। क्या हम यूएस की बात कर रहे हैं? नहीं ना। क्या हम यूके की बात कर रहे हैं? नहीं ना। इनके पहले हम द लगाते हैं लेकिन ये तो प्रॉपर नाउन है आपका ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। तो यहां पे आपका सी पोर्शन एरर है, यहां ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए हमारे सामने है नाइन्थ प्रश्न और देखें कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं, कर लेंगे अगर आप कोशिश करेंगे तो। During the last few years, यानी पिछले कुछ वर्षों के दौरान, the company works hard to modernize its image. कंपनी जो है वो अपनी इमेज को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है। कब? During the last few years, पिछले कुछ वर्षों दौरान, पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो कंपनी है वो कठिन परिश्रम कर रही है ताकि वो अपनी इमेज को मॉडर्नाइज कर सके। पिछले कुछ वर्षों के दौरान वो कर रही है या कर रही थी, क्या होगा? कर रही थी। तो बोले कहां पे गलत होगा यहां पे, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स द कंपनी वर्क्स हार्ड, है ना, गलत है ना। तो ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स द कंपनी वर्क्स हार्ड नहीं होगा, कंपनी वर्क हार्ड होगा क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। तो यहां पे कंपनी वर्क्स हार्ड की बजाय कंपनी वर्क हार्ड हो जाएगा, बी पोर्शन एरर होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड एज आई डिड, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड, देयर माइंड, समझ में आ रहा है कुछ? ईच वन ऑफ यू है, ईच वन ऑफ यू है या एवरी वन ऑफ यू है या ईदर वन ऑफ यू है या नीदर वन ऑफ यू है, तो इनके साथ आप प्लूरल प्रोनाउन कैसे ले सकते हैं? तो ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप, क्या हो जाएगा यहां पे, हिज माइंड, वंस में मत लीजिएगा, ईच वन है ना, तो ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप हिज माइंड एज आई डिड। चलिए 10 पर्सन आपके सामने हैं, रेगुलरली मैं कोशिश करूंगा 10 पर्सन से आपको दिए जाए, आप इनसे जो आपका सीएचएसएल या सीजल का पेपर है उसे बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन आप ही मेरी हेल्प करें थोड़ी सी, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन बच्चों को जरूर बताएं, दूर दूर तक फैलाएं, शेयर करते जाएं ताकि धीरे धीरे अधिक से अधिक बच्चों का फायदा हो सके। और आप लाइक कमेंट शेयर करना कतई ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।